और पांच चीजें ऐसी हैं जिनका प्रभाव स्वयं के ऊपर होता है। पांच नियम ऐसे हैं जिनसे समाज व्यवस्थित हो सकता है और पांच चीजें ऐसी हैं जिनसे व्यक्ति स्वयं व्यवस्थित हो सकता है। और व्यवस्था दोनों तरफ से हो तो ही जीवन सही चलता है। स्वयं व्यवस्थित हो आदमी, लेकिन समाज अव्यवस्थित हो तो सुख नहीं मिलेगा। और समाज व्यवस्थित हो लेकिन व्यक्ति स्वयं व्यवस्थित ना हो तो भी आनंद नहीं आएगा। तो हमारे ऋषियों ने ये 10 विधान बनाए, और आप लोगों ने कई बार सुने भी होंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 विधान तो ऐसे हैं जो समाज के लिए हैं, समाज को व्यवस्थित बनाने के लिए हैं। आप स्वयं अपने जीवन में उतारेंगे तो इसका लाभ समाज को भी मिलेगा। आप यदि हिंसा को छोड़ देते हैं तो उससे समाज भी सुखी रहेगा। आप सत्य का पालन करते हैं तो आपके साथ में रहने वाले व्यक्ति भी सुखी रहेंगे। आप यदि चोरी नहीं करते हैं तो आपके साथ में रहने वाले लोग भी बड़े आनंद में रहेंगे। आप यदि संयम का ध्यान रखते हैं तो समाज भी सुखी रहेगा। और आप यदि अनावश्यक रूप से वस्तुओं का संग्रह नहीं करते हैं, जो हिस्सा दूसरों का है वो दूसरे, क्योंकि ये प्रकृति सबके लिए है, केवल एक अपने लिए नहीं है, तो जो है उसका लाभ दूसरों को भी मिलेगा। ये 5 चीजें हैं जो समाज को व्यवस्थित बनाती है। हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, संयम का ध्यान रखना, व्यभिचार न करना और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना। ये 5 चीजें समाज को व्यवस्थित बनाने के लिए हैं। लेकिन इसका पालन एक एक व्यक्ति को करना पड़ेगा। कोई यूँ सोचे कि समाज कर लेगा, जब समाज के लिए तो समाज कर लेगा, अपन क्यों करें। तो समाज जो है एक एक व्यक्ति से बनता है। हमें जब हम पालन करेंगे तो हो सकता है हमारे बगल में बैठा वाला व्यक्ति भी पालन करे। तो पहली शुरुआत स्वयं से करनी पड़ेगी, लेकिन इसका लाभ जो है समाज को भी मिलता है। और 5 विधान ऐसे हैं जिनका लाभ स्वयं के लिए है। उसमें सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सोच मतलब पवित्रता, पवित्रता से आप रहेंगे तो उसका लाभ स्वयं को मिलेगा। आप संतोषी बनेंगे तो उसका लाभ स्वयं को मिलेगा। आप तपस्वी बनेंगे, सुख की ज़्यादा इच्छा न रखेंगे तो उसका लाभ आपको स्वयं को मिलेगा। आप यदि स्वाध्यायशील हैं तो उसका लाभ आपको स्वयं मिलेगा। और आप ईश्वर परिधान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं तो उसका लाभ आपको स्वयं मिलेगा। ये 5 चीज़ें वैयक्तिक निर्माण के लिए हैं। 5 चीज़ें सामाजिक निर्माण के लिए, 5 चीज़ें वैयक्तिक निर्माण के लिए। ये तो बात होगी शास्त्रों की, इनका विधान कैसे करें, जीवन में इनको कैसे उतारें। कई बार हमने सुना होगा कि ये चीजें करनी चाहिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह की बात खूब सुनी होगी, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान की बात खूब सुनी होगी। ये हमारे जीवन में उतरते क्यों नहीं है? तो ये हमारे जीवन में इसलिए नहीं उतरते हैं क्योंकि जैसे ये 10 विधान है ऐसे ही 10 वितर्क हैं। उनको शास्त्रकार कहते हैं वितर्क। और ये वितर्क इतने खतरनाक हैं कि ये इन 10 विधानों की तरफ जाने नहीं देते हैं। और वो 10 वितर्क हैं इससे बिल्कुल उल्टे। अहिंसा का उल्टा क्या है? हिंसा। सत्य का उल्टा क्या है? झूठ। अस्तेय का उल्टा क्या है? चोरी। ब्रह्मचर्य का उल्टा क्या है? व्यभिचार, अब्रह्मचर्य। और परिग्रह का उल्टा है, अपरिग्रह का उल्टा है परिग्रह। व्यक्ति कबाड़खाना बन जाता है, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रही बन जाता है जो उसको जरूरत भी नहीं है। हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो शायद साल में एक बार काम आती हो या नहीं भी आती हो,
तो भी हम उनको इकट्ठा करके रखते, पता नहीं कब काम आ जाए। दूसरे की काम की चीज है वो, हो सकता है दूसरे को साल भर काम आए, अपने किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसका संग्रह करके रखते हैं। तो ये पांच वितर्क सामाजिक रूप से बड़े नुकसानदायक हैं, और पांच वितर्क अपवित्रता, असंतोष, अतप, अतप मतलब सुख लेने की इच्छा, तपस्या का मतलब है कि दुख कैसा भी आए उसको हम सहन करें। द्वंद्व सहनम तपः, योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ऋषि कहते हैं द्वंद्वों को सहन करना तप है। गर्मी सर्दी है, भूख प्यास है, मान अपमान है, जय पराजय है, हानि लाभ है, इनको हम सहन कर लें। इसमें न तो हम दुखी हों और न सुखी हों। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय, सुख दुख में सम हो जाएं, लाभा लाभ अलाभ में जय हो जाएं, है ना। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पायिनो नित्यां, स्नान तितिक्षस्व भारत, उनको तू सहन कर, तितिक्षस्व उनको सहन कर ले, उनमें सुखी और दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि ये सुख दुख देने वाले हैं, बहुत सुख भी मिलता है संसार के पदार्थों से, इतना सुख भी मिलता है कि आदमी उसमें भगा हुआ है, और इतना दुख भी मिलता है कि बड़ा परेशान भी है। आप दोनों उदाहरण देख लो, बोली समाज में जो ना, अपने पड़ोस में ही देखो, पड़ोस में ही एक ही घर में एक आदमी जो ना संसार की चीजों से दुखी होता है, एक आदमी संसार की चीजों से सुखी होता है। तो इस संसार में सुख भी भरा पड़ा है, इस संसार में दुख भी भरा पड़ा है। तो सुख में फूल कर भी कुप्पा ना हो, क्योंकि जिसने सुख में आनंद ले लिया वो दुख में रोएगा जरूर, ये पक्का है। और जो सुख में विचलित नहीं हुआ उसको दुनिया का कोई भी दुख विचलित नहीं कर सकता है। तो है ना, जो है ना, तप का मतलब है सहनशीलता, हम सहन कर लें। स्वाध्याय, स्वाध्याय का उल्टा जो वितर्क है वो है कि हम जो है आत्मविमुख हो जाते हैं। स्वाध्याय का अर्थ होता है आत्मोन्मुख होना, आत्म तत्व को जानना, ओम का जप करना। स्वाध्याय के लिए कहा जाता है, महर्षि व्यास मुनि जी कहते हैं कि स्वाध्याय क्या है, तो स्वाध्याय वो है आत्म विषयक शास्त्रों का अध्ययन और प्रणव का जप, ओम का जप, ये स्वाध्याय है। और जब आदमी आत्म तत्व से विमुख होता है, संसार में फंसता है, क्योंकि दो ही तो चीज है, जड़ और चेतन, संसार में दो ही चीज है, जड़ और चेतन, हम जड़ में फंसे हुए हैं। ये शरीर भी जड़ है, ये मकान दुकान संसार सब जड़ है, आदमी जड़ में चिपका हुआ है। तो जड़ से चिपकना ये है अस्वाध्याय, और चेतन की तरफ चलना ये है स्वाध्याय। सारे गुरु सारे शास्त्र हमें चेतन की तरफ ले चलते हैं। असतो मा सदगमय, हमें असत से सत की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योति की ओर ले चलो। मृत्योर मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। आपकी पूरी प्रार्थना यही है, ये संसार बहुत भयंकर है, इस संसार में जो है ना, ये तो जो है ना ऐसा है, इसमें भयंकर मझधार, और ये तो मैं इसमें पड़ा हुआ हूँ, मुझे उस तरफ ले चलो, मुझे आत्म तत्व की तरफ, परमात्म तत्व की तरफ ले चलो, चेतन तत्व की तरफ ले चलो, यही तो प्रार्थना करते हैं हम। सारे शास्त्र इसी प्रार्थना से भरे हुए हैं। तो हम जो है चेतन की तरफ चलें, और ईश्वर परिधान, हम नास्तिक न रहें, ईश्वर विश्वासी रहें। ईश्वर परिधान का मतलब है कि एक ऐसी सत्ता जो जिसका नियंत्रण सबके ऊपर है, उसके ऊपर हमें भरोसा हो, उसके ऊपर हमें विश्वास हो। जब उसके ऊपर विश्वास होगा ना, तो आदमी ना तो झूठ बोल सकता है, ना चोरी कर सकता है, ना किसी को ठग सकता है, ना क्रोध कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा भी है, एक वो सत्ता है। जब आदमी सोचता कि वो तो है ना जो है वहाँ कमरे में मिलेगी वो, तो या मंदिर में मिलेगी या कहीं मिलेगी, यहाँ तो उस वो परेशान करने वाली नहीं है, यहाँ तो अपन कितना भी गुस्सा कर सकते हैं, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। जब ये भाव आ जाते हैं तब आदमी गुस्सा करता है। हाँ देखो, मंदिर में जाके आदमी महात्मा बन जाता है, और जैसे ही मंदिर से निकलता है
आदमी दुरात्मा बन जाता है, वैसा जैसा आया वैसा वैसा हो जाता है। तो हम जो है ना हर जगह पर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करें, यह है ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान का सबसे सरल अर्थ वैसे महर्षि व्यास जी महाराज जी करते हैं, ईश्वर परिधान का मतलब है कि सारे कर्म उस परमात्मा के लिए किए जाएं, फल की कोई इच्छा न रहे, फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करना, यह है ईश्वर परिधान। तो ये 10 विधान और 10 इससे उल्टी चीजें। अब होता क्या है, हम जो है अक्सर जो है वितर्कों के पक्ष में खड़े रहते हैं, 10 हमारे दुश्मन हैं, 10 हमारे मित्र हैं, तो हमें खड़ा किसकी तरफ होना चाहिए, मित्रों की तरफ। पर हम खड़े कहाँ होते हैं, शत्रु की तरफ खड़े होते हैं। शत्रु जब हमारे पक्ष में आता है तो हमें बड़ा स्वाद आता है, और तू आ जाया, तू कहाँ जा रहा है, तू तो हमारे पास है। जैसे ही क्रोध आता है, तो क्रोध आता है, आप लोग देखना कभी अपनी मन अपनी मनोस्थिति को देखना कि क्रोध आता है और क्रोध जब जाता है, क्रोध के समय तो हम क्रोध के विपक्ष में खड़े हो ही नहीं सकते हैं। क्रोध के समय तो क्रोध के विपक्ष में खड़ा होने का मतलब ही नहीं है, वो साधना जब आ जाए वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जब क्रोध चला जाए तब तो हम कम से कम क्रोध के विरोध में खड़े हो जाए, पर तब भी हम ये कहते हैं बोले आज तो थोड़ा सा जरूरी था आज तो बोले जी उसने ऐसा कर दिया था, इसलिए जो है ना अपन जो है गुरुद्वारे में बैठ करके भी जो ना अपनी सफाई देते हैं, बोले जो ना बोले उसने ऐसा ना वो किया था कि वहां तो जरूरी हो गया था। तो हम क्या है, हम क्रोध के पक्ष में खड़े हैं, हमें खड़ा होना चाहिए था क्रोध के पक्ष में, है ना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् व्रजेत्। ये 3 नरक के द्वार बताए, काम क्रोध और लोभ, काम क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। सारे शास्त्र कमोबेश तरीके से इसी बात को कहते हैं, है ना, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। कामी से भक्ति नहीं हो सकती, क्रोधी से भक्ति नहीं हो सकती, और लालची से भक्ति नहीं हो सकती। यही तो बात है, तीनों बात, काम क्रोध और लोभ। तो काम क्रोध और लोभ जो है ये 3 बड़े शत्रु हैं, ये भयंकर शत्रु हैं, और ये आदमी के है ना पुण्य को सुकर्म को काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं। तो जो है हम इनके पक्ष में खड़े ना होना, एक क्षण के लिए भी पक्ष में खड़े ना होना, और इसके लिए हमें जो है ना स्मृति की आवश्यकता पड़ेगी। स्मृति का मतलब है होश में रहना, स्मृति का मतलब होश में रहना, निरंतर होश में रहना। जैसे ड्राइवर जो है ना यहाँ से जयपुर गाड़ी ले जाना है, या कई लोग हैं बढ़िया बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, अब यहाँ से जयपुर गाड़ी गई तो जयपुर जैसी गाड़ी से उतरे तो जो आदमी वहाँ मिला उसने कहा बोले भैया कितनी देर होश में रहे, तो ड्राइवर क्या बताएगा कितनी देर होश में रहा ड्राइवर, लगातार होश में। यदि यू ड्राइवर यू सोच ले कि चलो मैं है ना 10 सेकंड के लिए मैं है ना होश ना खोलूं तो चल जाएगा, क्योंकि 5 घंटे का रास्ता है, 5 घंटे होश में रहना है, 10 सेकंड तो मांग रहा हूं मैं, तो क्या कोई 10 सेकंड देगा उस गाड़ी में बैठे आदमी, बोले भैया 10 सेकंड भी नहीं तूने होश खोया तो ये 5 घंटे ना वो किसी काम के नहीं रहेंगे। जब जीव ये सामान्य गाड़ियों में आदमी बेहोश नहीं हो सकता है, 10 सेकंड के लिए होश खोने की परमिशन नहीं है, तो ये जीवन रूपी गाड़ी तो इससे बहुत विशेष है, और ये यात्रा तो बहुत ही विशेष यात्रा है, वो तो बहुत सामान्य यात्रा है, ये यात्रा इतनी विशेष है इसमें 10 सेकंड चूके तो बड़ा नुकसान है, बड़ा नुकसान है, इसलिए हम 10 सेकंड के लिए भी ना चूके, निरंतर होश में रहना, निरंतर जागरूक रहना, ये जो है ना इसी को शास्त्रकारों ने स्मृति कहा है।
भगवान बुद्ध जो है इसी को जो है ना निरंतर जागरूक रहो। संत विनोबा भावे कहते थे, बोले होश में रहो। सब शास्त्रकारों ने एक ही बात कही, अलग अलग शब्दों से कह दी, होश में रहो, जागरूक रहो, निरंतर जो है ना चेतना में रहो, जागते रहो। तो ये जो हम निरंतर होश में रहेंगे तो अपनी बुराइयों को हम देखते रहेंगे, और हम ये भी देखते रहेंगे हम बुराइयों के पक्ष में कब खड़े हो जाते हैं, और बुराइयों के पक्ष में खड़े हुए एकदम से अपने आप को वहाँ से अलग हटाओ, क्योंकि दुश्मन के पक्ष में खड़ा होना ये तो बहुत ही खतरनाक है। आप एक बात सोचो, भौतिक जगत में अभी कोई आश्रम का विरोधी आ जाए और वो यहाँ आकर के गाली देने लगे या कुछ करने लगे, और अपन आश्रम के कुछ विशेष भक्त जो है ना आश्रम की तरफ खड़ा होना चाहिए था उनको, वो उनकी तरफ खड़े होकर के उनको तो सही कह रहे, उन्हें दो चार गाली अपन भी ठोक दें, है तो कितना महापाप लगेगा। बस ऐसी स्थिति अपने जीवन के साथ हम कर रहे हैं कि हमारे इसमें जब काम आता है, जब क्रोध आता है, जब लोभ आता है, जब ईर्ष्या आती है, जब झूठ का वो आता है, जब है ना दूसरे का पदार्थ लेने का भाव आता है, जब हिंसा का भाव आता है, तो हम तत्काल जो है ना उस पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उस पाले में खड़े हो जाते हैं, और उस पाले में खड़े होते ही जो है ना, और फिर जैसे ही उस पाले में खड़े होकर के अपना पूरा काम करते हैं, और फिर जब आते हैं बोले भैया ना, बोले यार ज्ञान की बात बोले देव ना, तो फिर खूब चर्चा करते हैं अहिंसा की, सत्य की, अस्तेय की, है ना। तो ये सब चर्चाएं से किसी काम की नहीं होगी। तो हम जो है ना सबसे पहली शुरुआत हमें जो है ना उन वितर्कों को रोकना है। ये अहिंसा तो अपने आप सिद्ध हो जाएगी, आपको हिंसा पे काम करना है। सत्य तो आप अपने आप सिद्ध हो जाएगा, आपको काम करना है किस पे? झूठ पे, झूठ को रोकना है, झूठ कहीं ना कहीं जीवन में ना आ जाए, आपके मन में कहीं दूसरे का पदार्थ लेने का भाव ना आ जाए, उस पे काम करना है आपको जो ना, काम वासना पे काम करना है। ये काम जो ना ये मेरे मन को ना मत ना दे कहीं, बहुत भयंकर है काम, बहुत भयंकर है क्रोध, ऐसा मचता है बिल्कुल एकदम है ना। अपनी मशीन तो कई बार लाइट वाइट नहीं आए तो रुक भी जाती है ये काम क्रोध लोभ तो ऐसे उसमें जो ना वो मछली में वो होते ना, मछली में वो आग उसको क्या बोलते हैं, तीन चार टांग होती ना जो घूमती है तो एकदम से ना बिलोती है, बस ये तीन टांग है इसमें, और ये ऐसी बिलोती आदमी को बिलोगे एकदम से ना, जब बिल जाता आदमी और जब सब खत्म हो जाते तब याद होश में आता है यार ये तो गड़बड़ हो गया, लेकिन जब तक मिलता है जब तक तो कुछ नहीं पता चलता है, खुद ही बिलोने में लगा रहता है कि भैया और मिला। तो है ना ये इन चीज़ से हम अपने आप अपने जीवन को बचाएं। वैसे तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, इतना सुंदर वातावरण, इतना ये तो मतलब इस धरती का स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग है ये, इतना सुंदर वातावरण, गायों की सेवा, पक्षियों की सेवा, सब जीव जंतुओं की सेवा, अतिथियों की सेवा, सबकी सेवा करने का हमें अवसर मिलता है, और जो गुरुजन हैं उन्होंने जो बात बताई उनके जीवन पे चलने का हमें अवसर मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो ना जो है ऐसा सौभाग्य व्यक्ति जो खो दे उससे बड़ा दुर्भाग्य आदमी और कोई नहीं, तो हम इस सौभाग्य का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। थोड़ी सी बातें थी, मैं तो अपने जीवन को लेकर के मैं बातें बोलता हूँ, आप लोगों को भी काम में आ जाए तो बहुत अच्छा है। बोलो सतगुरुदेव भगवान, गुरु भगवान, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तुलसीदास जी जो है ना अपने समाज का बहुत आदर्श है, और उन्हें आपका जीवन पर भी और समाज का जीवन पर भी, भगवान का जीवन पर भी, रामायण नाम की पुस्तक ली और सारी जब लिख दी, लास्ट एकदम लास्ट लास्ट जब परमात्मा से प्रार्थना करी, कामने ही नारे प्यारी जी मेरे लोभ भी प्रिय जी मे दाम ते मेरा रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोय राम। पाँच घंटा में जो है ना 10 सेकंड है ना बजे उनने खो दे, आपको खो दे 10 आदमी और साथ में उनको खो दे, ड्राइवर 5 सेकंड के लिए जो है ना 10 सेकंड के लिए भी बेहोश हो जाए तो आपको जीवन तो जाए जा, पर उनका 10 साथ और बैठे उन्होंने भी लेट उठे, तो इन्हें जो ना निरंतर परमात्मा मतलब परमात्मा के प्रति गुरु जी साधक को एक शब्द
बताया गया था कई बार, जो सावधान है वो ही साधक है। सावधानी लगातार पूरा जीवन भर बरत है तुमको आनंद आओगे। भगवान की जय हो। भगवान की।